good morning students today we are going to start exercises of chapter number 8 so you have to open page number 23 and we are going to start exercise number a we have studied about articles a an and the so we are using a before word that begin with consonant and we are using n with the word that begins with vowel and we are using the before a particular noun so we are going to start exercise number a put a or n before the following words so in this word dash boy so the first letter of the word boy is consonant that means we are going to write here a boy so we will write here a

कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी क्या आ जाएगा अ शॉर्ट सिक्स्थ वन इज डैश एप्पल तो एप्पल का जो ए है दैट इज वॉवल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन एप्पल डैश डॉग डॉग का डी जो है वो क्या है कॉन्सोनेंट है तो यहाँ हम लिख देंगे अ डॉग एंड डैश एलिफेंट सो द एलिफेंट का जो ई है इट इज़ अ वॉवल तो वॉवल के पहले हम लगाते हैं ए एन 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 एलिफेंट डैश बी तो बी का जो ये फर्स्ट लेटर है दैट इज़ कॉन्सोनेंट तो यहाँ आ जाएगा अ बी एंड टेंथ वन डैश ईयर तो यहाँ पर ईयर में भी क्या है फर्स्ट लेटर जो है वो है कॉन्सोनेंट सो यहाँ हम लिख देंगे अ ईयर

वॉवेल तो यहाँ पे आ जाएगा शी बॉट एन आइसक्रीम तो यहाँ पे हम ए एन एन लिख देंगे मैरी हैड डैश लिटिल लैम्प तो यहाँ आ जाएगा मैरी हैड अ लिटिल लैम्प बिकॉज ये जो एल है दैट इज कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैरी हैड अ लिटिल लैम्प देन थर्ड वन इज हम टी डमटी सेट ऑन द वॉल तो यहाँ पे आ जाएगा हम टी डम टी सेट ऑन द वॉल टी एच ई द वॉल बिकॉज वॉल क्या है वॉल एक पर्टिकुलर नाउन है दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा द आई हैव डैश काइट आई हैव अ काइट सो यहाँ पर काइट क्या है काइट इज अ कॉन्सोनेंट तो यहाँ हम लिख देंगे आई हैव अ काइट देन फिफ्थ वन इज डैश एग वॉज़ वेरी यूज तो यहाँ पर जो वर्ड एग है दैट इज़ वॉवल तो ई क्या है वॉवल है दैट्स वाई हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन एग वॉज़ वेरी यूज देन सिक्स वन इज़ डैश एंड वॉज वेरी टाइनी तो यहाँ पर ए एन टी एंड मीन्स ए यहाँ पे क्या है वॉवल है तो इसके पहले हम वॉवल के पहले हम क्या यूज़ करते हैं ए एन एन यूज़ करते तो यहाँ हमने लिख दिया एन एंट वॉज़ वेरी टाइनी सेवेंथ वन इज़ डैश ऑरेंज इज़ वेरी स्वीट तो ए आई ओ यू इज़ अ वॉवल एंड यहाँ पे ओ क्या है वॉवल है तो इसके भी पहले हम क्या यूज़ करेंगे एन ऑरेंज इज़ वेरी स्वीट सो now we have completed our chapter number 8 and we have completed both the exercise of this chapter you have to write exercise number b in your english grammar copy in the next video we will continue forward with the next chapter